हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ब्रेक से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा और आप उसे खुद ही ठीक कर सकते हैं। और मेरी जो गाड़ी में प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ब्रेक पैड होते हैं वो डिस्क पर चिपक के चलते हैं। और कभी आपकी गाड़ी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका सीधा सीधा पता लगाने का तरीका ये है कि आपके ब्रेक पैड से आवाज़ आने लगती है। अंदर बैठे हुए केबिन में तो पता नहीं चलता कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, लेकिन इसका एक तरीका और है। आपको अपने गाड़ी को चलाना है 10-15 किलोमीटर और जो टायर के रिम होते हैं उनको छू के देखना है। जो भी टायर का रिम आपका गर्म लगेगा तो समझो कि उसी टायर के ब्रेक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर ले, क्योंकि इस प्रॉब्लम से जो है बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि रिम गर्म होने की वजह से टायर भी फटने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ ठीक करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने टायर के चारों नट थोड़े थोड़े लूज कर लेने हैं, फिर उसके बाद अपने जैक को लगाना है। तो पहले मैं टायर के नट लूज कर लेता हूँ। टायर के नट लूज करने के बाद गाड़ी को जैक लगा के ऊपर उठा देना है। और अब एक एक करके चारों नट को बाहर निकाल लेना है। और दोस्तों अगर आप इसके अलावा कोई और चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस चीज़ पर वीडियो बनाने की। और दोस्तों टायर हमारा बाहर आ चुका है और अब मैं इस टायर को गाड़ी के नीचे रख दूंगा सेफ्टी के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैक अपनी जगह से खिसक जाता है या गिर जाता है, तो हमारी गाड़ी को डैमेज होने से ये टायर बचा सकता है, क्योंकि जो गाड़ी का वेट होता है वो इस टायर पे पड़ेगा, सीधा ज़मीन पे से नहीं टकराएगा। तो दोस्तों ये है हमारा पूरा डिस्क ब्रेक का सिस्टम। तो मैं इसको स्टीयरिंग की मदद से थोड़ा राइट साइड को घुमा देता हूँ ताकि मुझे इसे खोलने में थोड़ा स्पेस मिल सके। और दोस्तों मेरे पास ये 12 नंबर का टूल है और अब मैं इस टूल की मदद से ये दोनों नट खोलूँगा। नट खोलने के बाद इसको थोड़ा सा जोर लगा के ऊपर को उठाना है तो ये हमारा ऐसे बाहर निकल जाता है। और इसको बाहर निकालने के बाद मैं इसको साइड पे रख दूंगा और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो ये डिस्क पैड होते हैं इनको बाहर निकालना है। तो ये स्क्रू ड्राइवर से ही निकलेंगे, हाथ से ये नहीं निकलेंगे। तो कैसे मैं निकाल रहा हूँ आप देख सकते हो। ब्रेक पैड निकालने के बाद दोस्तों ये जो पिन होती है दो, एक ऊपर एक नीचे, तो नीचे वाली हमारी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है और ऊपर वाली हमारी आगे पीछे हो रही है। और इसको जैसे हम दबा रहे हैं ना, ये आगे हो रही है ना पीछे हो रही है। तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकालना है इस पिन को। इस पिन को बाहर निकालने के बाद दोस्तों देख सकते हो इसमें ग्रीसिंग बिल्कुल नहीं है, बाकी डस्ट लगा हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी। तो मैं पहले इसको रबड़ को भी साफ करूँगा और इस पिन को भी साफ करूँगा। और दोस्तों पिन साफ करने के बाद इस पे थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगाना है। पिन को अंदर डालने से पहले एक स्क्रू ड्राइवर और कपड़े की मदद से इसको भी साफ कर लेना है थोड़ा सा। साफ करने के बाद इस पिन को अपनी जगह पर लगा देना है वापस। और दोस्तों पहले से अच्छा काम करने लगी है, उतना तो नहीं लेकिन फिर भी काफी ठीक हो चुकी है। और उसके बाद ब्रेक पैड को रेगमार पर घिसना है। रेगमार पर घिसने के बाद ब्रेक पैड कुछ ऐसे लग रहे हैं और अब इसको वापस अपनी जगह पे लगाना है। ब्रेक पैड को वापस लगाने के लिए उसको अपनी जगह पे रख के जोर से पुश करना है और दूसरी साइड का ब्रेक पैड लगाने के लिए भी सेम प्रोसेस करना है और इजीली हमारा ये ब्रेक पैड लग जाएगा। और अब जल्दी से इसको भी फिट कर देता हूँ। इसको लगाने के बाद जो हमारी डिस्क है उस पर रेगमार लगाना है। ब्रेक का सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जल्दी से टायर लगा देता हूँ।
और दोस्तों फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप भी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।